मेंबर लोग भी आते हैं तो बोले तुम और ये एरिया में, हम नहीं क्या करते वो एरिया को वोट मिलते हमको, क्योंकि इधर वाले पूरे वोट उसको देते। ये हम जो आपको गटर दिखा रहे हैं, ये गटर रमजानपुरा वार्ड नंबर 3 गट नंबर 176 गौसिया नगर में है। आइए देखते हैं कि ये गटर अभी 3 महीना पहले बनी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि 3 महीने के अंदर इसकी हालत क्या हो गई है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि इन गटरों का पानी, ये गटर का पानी है जो हमने आपको दिखाया कि आगे जाकर ये गटर बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है, और गटर का काम किस तरीके से मतलब फोकस पैमाने पे हुआ है, लोकल पैमाने पे हुआ है, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस गटर का बनने से इस इलाके की आवाम को कोई भी फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। हमारा मकसद दिखाने का ये है कि ये मजाफाती इलाका है रमज़ानपुरा, जहाँ पर सालों से आवाम तकलीफ और परेशानियों में जूझ रही है। कोई भी सरकारी अधिकारी यहाँ पर कामों की विजिट पर नहीं आता है, और न जाने क्यों इन ठेकेदारों के बिल बनाकर दे दिए जाते हैं। ऐसे बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल इन गटरों में किया जाता है, और पूरा मटेरियल ख़राब क्वालिटी में इस्तेमाल होता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके का मटेरियल इस्तेमाल करके ये गटरें 3 महीने में ही टूट रही है, और आप देख सकते हैं ये मेरे हाथों में जो मटेरियल है ये पूरी तरीके से मतलब ये ग्रिड में मतलब इसका काम हुआ है, जबकि ये काम रहती है। ये देखिए आप, मेरे हाथ लगा रहा हूँ और ये मटेरियल मेरे हाथ में आ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये काम हुआ है। बताइए, जो रमज़ानपुरे की आवाम है सालों से तकलीफ परेशानियों में जूझ रही है, जब उन्हें थोड़ी सी राहत मिलने का वक्त आया तो इस तरीके के कॉरपोरेटर और ठेकेदार मिलकर बोकस काम कर रहे हैं। इस तरीके का ख़राब मटेरियल में इस्तेमाल कर 2 महीनों के अंदर ही गटरे टूट जा रही है। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये कौन सी क्वालिटी में काम है पूरी तरीके से इसमें, बताइए ये क्या टिकेंगी ये गटरे। इस तरीके से वार्ड के आवाम के साथ और आवामी पैसे के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है कि हम लोगों को पैदल चलना मुश्किल हो जा रहा है। तो हम लोग ये मसला लेकर कॉर्पोरेटर के पास गए थे कि यार भाई गटर तो बनी है लेकिन ज़मीन से 1 फीट ऊंची है, अब बारिश का पानी आ रहा है तो वो पानी भर नहीं पा रहे हैं कॉर्पोरेटर के इसके अंदर है ना, वो क्योंकि आवाम उससे फ़ायदा उठा ही नहीं पा रही है। मैंने 2 महीने में जब गटर का ये हाल है तो 5 साल वो कहाँ से टिकेगी। आप क्या चाहते हैं कि ये गटर की चौकसी होनी चाहिए, ठेकेदार को ब्लैकमेल किया जाए, और जो कॉर्पोरेटर मतलब इसका मतलब जिसने फंड मतलब लगाया, कॉर्पोरेटर से लेकर के ठेकेदार तक पूरी इंक्वायरी होना चाहिए, और जो भी इसका बिल पास हुआ है इसको पर पहले रोक लगाओ, आगे चौकसी करो, उसके बाद इसको सही तरीके से बनाओ, उसके बाद इसका बिल पास किया जाए। इलाके का नंबर 137-3 है, वार्ड नंबर 3 है, जिससे कोई फायदा नहीं, फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पानी निकलने को जगह ही नहीं है। ये ना, ये गटर में से बहने की बजाय पानी मतलब यहाँ जमा हो जा रहा, जमा हो जा रहा है। इस्तेमाल करना चाहिए ना, दुनिया भर की गंदगी है यहाँ पर, ये सब बने ना तो जरा कुछ इंसान को थोड़ा तो आराम तो होए। कुछ नहीं, खाली देख देख के जाते, हाँ बनाएंगे हाँ बनाएंगे, कोई आता नहीं कोई जाता नहीं, बस खाली चेक कर लेंगे चले जाएंगे बनेगा। बहुत गंदगी है, हमको इससे भी ज्यादा तकलीफ है, बच्चे लोग परेशान हो गए हमारे, मेंबर लोग को कुछ नहीं, मेंबर कितना बोलेंगे मेंबर को, मेंबर लोग भी आते तो बोले तुम और ये एरिया में, हम नहीं क्या करते वो एरिया को वोट मिलते हमको, क्योंकि इधर वाले पूरे वोट उसको देते। गटर बनाना था तो सही ढंग से बनाना था ना, तुम भी गई हो, कोई करने की नहीं है ना, सब उधर से निकल गई है। ये पानी निकाल है नहीं और हम लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है सब चीज़ के लिए। कौन जिम्मेदार, किसको आपको क्या लगता है कौन इसका जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार गटर का जो ठेकेदार है जो बनाया वो है, ये सब रेती नहीं है, सब खड़ी में डाला है, सब पूरी टूट के पूरी निकल गई है, देख लो आपके सामने उधर फोटो खींच लीजिए आप। लगे गटर क्या अभी दो ढाई महीना हो रहा है, लेकिन गटर तो जगह जगह से टूट के खत्म भी हो गए, टूट भी गई वो सब, ऐसे कल मटेरियल लगाए ले कोई का काम का है क्या मटेरियल, अब पैसे खा लिए तो सही है, पैसे खाए नहीं तो क्या कर रही है, ये दुनिया भर की बीमारी फैला के चले गए, और वो तो कच्ची गटर अच्छी थी, वो हिसाब से सामने दुनिया भर की गंदगी है, सब आते हैं ऐसा करेंगे वैसा करेंगे,
और कोई कुछ नहीं करता, कब तक इंसान परेशान रहेगा। लगा के ले लेते, अब घर में फेल लेते हैं, फेल के अलग कर देते, बना देते हैं घुटनों भर तो गटर नहीं है वो। कितने महीने पहले घुटनों भर की गटर हो, दो भर की गटर नहीं है, बना के रखे हैं गटर। मेंबर बने हुए हैं, खैर पट्टी भरने का, अभी नल पट्टी भी आएंगे वो भी मत भरना, बहुत सारी बीमारी फैल रही है, बहुत ज्यादा बीमारी फैल रही है, बहुत गंदगी पहले से बहुत ज्यादा गंदगी हो गई, बहुत ज्यादा गंदगी हो गई है।